एवरीवन, मैं हूँ खुशी। वेलकम डिवाइन से एंड टैरोट इन खुशी से। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम टैरोट कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हमारी मंथली राशि फल जो है लव रीडिंग रहेगी। लव रीडिंग थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है थोड़े काम की वजह से, एंड बहुत सारे थोड़ी और कुछ वर्क होते हैं मेरे खुद पर्सनली, तो उसके वजह से मैं थोड़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। एंड जैसे कि दिस मंथ अप्रैल मंथ, जैसे कि लव कम्युनिकेशन का कुछ ज़्यादा होता है, इसमें बहुत लोगों के जो काम जो बिगड़े हुए होते हैं तो वो सक्सेस हो जाते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस लाइफ में आ जाते हैं। जो अप्रैल जो मंथ होता है, जो फोर्थ वाला जो मंथ होता है, ये काफ़ी इमोशनली होता है। एंड जैसे कि इमोशनल फीलिंग्स को ज़्यादा ही अपने अंदर की जो है हर राशि के लिए मैं कहूँगी, ऐसे एक राशि पर डिपेंड नहीं कहूँगी, हर राशि पर इमोशनली फीलिंग्स आती ही आती हैं। एंड अप्रैल मंथ में थोड़ा बहुत लगता है कि हमारे लाइफ में पार्टनर आना चाहिए, एंड जैसे कि जिनकी शादी नहीं चाहिए उनको लगता है कि नहीं हमारी भी शादी हो जाए, काफ़ी सारी इमोशनल फीलिंग्स हो जाती है। जिनके ब्रेकअप हो चुके होते हैं तो अपने पार्टनर को मिस करते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस अप्रैल मंथ में हमारे लाइफ में सब राशियों पे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मंथली राशि जो है अप्रैल मंथ की लव रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप के बारे में, तो चलिए लव कम्युनिकेशन देखते हैं मीन राशि वालों के लिए। पता नहीं क्यों कार्ड्स में मैंने जितने तक निकाला है, स्टार्टिंग में मैंने जब बात की थी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग दिस मंथ में रहती, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फीलिंग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इससे अगर मैं कार्ड्स को तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो नौ जैसे कि दोनों भी साथ में एक जैसे कि एनर्जी जहाँ तक नजर आती दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं आप सो नहीं रही हैं, जैसे कि डिप्रेशन है शायद मैं जहाँ तक मिलता है, जबकि मैरिज नहीं हो चुकी शायद इस वजह से परेशान हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ फैमिली डिसीजन की वजह से परेशान हो, तो शायद मुझे यहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली आपको लेके कुछ न्यू डिसीजन ले रहे हैं, शायद मैरिज के लिए डिसीजन ले, क्योंकि जस्टी का कार्ड आ चुका है, कहीं ना कहीं मैरिज के लिए डिसीजन लेते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ट्रैवल करना है, आपको दूर जाना है, यहाँ से काफ़ी दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, आप काफ़ी परेशान हो चुके कि वही लाइफ, वही परेशानी, मतलब वही वर्क, वही मेंबर्स आपकी लाइफ में। एक मतलब अगर लव कम्युनिकेशन के बारे में देखो तो बोलते ना कि उधर कभी कभी लव कम्युनिकेशन के लिए सूखा पड़ जाता है, तो वैसी वाली कंडीशन नज़र आती है दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि मैरिज के बारे में तो आप सोच रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं सोच रहे, पर कहीं ना कहीं आपको पार्टनर जो है पसंद नहीं आते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कैपेबिलिटी है तो वैसे हिसाब से आपका पार्टनर भी वैसे ही होना चाहिए, तो ये कंडीशन में जाता है कि नज़र नहीं आती दिखाई दे, कि आपको लगता है कि आपके लाइफ में जो पार्टनर है तो आपके हिसाब से है, जैसे कि आप जैसा चाहते हैं, तो वो आपकी कंडीशन के अनुसार अगर आपको मिलता है तो आप फाइनल डिसीजन लेंगे। कुछ फैमिली आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर्स करते हुए दिखाई दे कि कब तक शादी करोगे वगैरह, मतलब बहुत सारी बातों के लिए, मतलब जैसे कि पैसे ही कमाओगे क्या, जैसे सब पेंटेकल्स का काम कार्ड्स आए, जैसे कि पैसे ही कमाओगे क्या, मतलब ये वाली कंडीशन मुझे जहाँ तक नज़र आती हुई दिखाई दे रही दिस मंथ में। तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करेंगे, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल के मोमेंट में मुझे जहाँ तक नज़र आती हुई दिखाई दे रही, एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि छुप के चले जाएंगे, घर वालों को नहीं बताएंगे, वर्क पे डिसीजन बताएंगे कि आपको जाना है करके, एक्चुअली फॉरेन एक निकलने की कंडीशन दिखाई दे रही, मतलब ऐसे नहीं कि घर वालों को बताएंगे कि नहीं मुझे जाना है, एंड आप अकेले निकल जाएंगे, अकेले मोड पे अपने खुद को एक चिल करने के लिए, आपका माइंड रिलैक्स करने के लिए आप खुद चले जाएंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उतना कि लव कम्युनिकेशन के लिए जगह ही मुझे जहाँ तक नहीं नज़र आती दिखाई दे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, परेशानी, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे जहाँ तक पता नहीं क्यों दिस मंथ ऐसे लग रहा है कि न्यू लव कम्युनिकेशन नहीं नज़र आती दिखाई दे रही, मैरिज की बात होगी पर एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी कि ज़्यादा करके आगे तक लॉन्ग टाइम तक आगे बढ़ेंगे, एंड न्यू लव कम्युनिकेशन के भी चांसेस मुझे जहाँ तक लॉन्ग तक नहीं नज़र आती हुई दिखाई दे रही। बड़ा जिनकी मैरिज हो चुकी उनके लिए मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे मूड रहेगा, एक ट्रैवलिंग करेंगे, एक उनकी भी इसमें ट्रैवलिंग नज़र आती हुई दिखाई दे, बट एक्चुअली मैं कहूँगी कि रात भर नहीं सोना, कहीं ना कहीं घर वालों की वजह से या फिर फैमिली वालों की वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन में शायद मुझे जहाँ तक लगता है कोई ना कोई कुछ ऐसी बात ज़रूर हो सकती है कि जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं इस मंथ, एंड घर वाले को मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं मनी इनकम सोर्स के बारे में शायद आप सोच रहे होंगे,
एंड जैसे मैं बात करूँ तो हेल्थ इश्यू भी नजर आते ही दिखाई दे रहे, तो हेल्थ इश्यू भी रहेंगे मीन राशि वालों के लिए 30 मंथ। एंड जैसे कि बात करें कि काम में एनर्जी है, मतलब जहाँ तक काम में एनर्जी है दैट फाइनली एक दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप जरूर हो सकती है, कहीं ना कहीं आप दोस्तों से मुलाकात करना या फिर दोस्तों के साथ हिल मिल के रहना, तो ये वाली कंडीशन मुझे जहाँ तक नजर आती हुई दिखाई दे रही। अगर आप ट्रैवलिंग में भी जाते तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्तों के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने माहौल में निकल सकते हैं, ये वाली एनर्जी जहाँ तक नज़र आती हुई दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, बेबी प्लानिंग नज़र आती हुई दिखाई दे, एक न्यू बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे या फिर कुछ गुड न्यूज़ आते हुए भी नज़र आते हुए दिखाई दे कि लव कम्युनिकेशन नहीं नज़र आती दिखाई दे। हिडन फीलिंग है कि आपके लाइफ में पार्टनर आए, एक अच्छी सी लव कम्युनिकेशन हो, पर इसमें मुझे लव कम्युनिकेशन कुछ आगे बढ़ते हुए नज़र आती हुई दिखाई दे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि 20 मंथ आपका कैसा रहा। मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए कि 20 मंथ आपका कैसा रहा। एंड जैसे कि क्लासेस स्टार्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सुबह 10 बजे से लेकर शाम तक 5 बजे तक ही ऑफिस स्टार्ट होता है, तो आप उस टाइम तक ही कॉल कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।